प्यारे बच्चों, आज हम विंडो 10 की एक्सेसरीज और कुछ बाकी टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी हमने विंडो 10 के बारे में चर्चा की थी, स्टार्ट बटन से हम विंडो 10 की डिफरेंट एक्सेसरीज जो हैं उनके ऊपर जा सकते हैं। यानी सबसे ऊपर से अगर हम देखें, मोस्ट यूज्ड जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, अल्फाबेटिकली सब अरेंज है। के बाद यहाँ से आपको कुछ एक्सेसरीज जैसे कैलकुलेटर कुछ एक्सेसरीज मिलने चालू हो जाएंगे। कैलकुलेटर देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर आप लोगों को पता ही है, कल डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन के लिए हमें बनाया हुआ है। और ये सबसे पहले जो खुल के आएगा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है। हम यहाँ पे साइंटिफिक है, प्रोग्रामर, डेट कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर डिफरेंट तरह के कन्वर्टर इसके अंदर है, जैसे करेंसी, वॉल्यूम, लेंथ और ये सब कैलकुलेटर यहाँ से हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे कैलेंडर के अंदर जाके और डिफरेंट तरह के डेट्स और टाइम का जो वर्क है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। कैलेंडर में हमें पूरी डेट्स मंथ वाइज मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ करंट डेट, आज की डेट और जितना भी पूरे मंथ का हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और हम यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कैमरा यहाँ पे अवेलेबल है। और कैमरे के साथ में हम कैमरे को ओपन करके और वहाँ से डिफरेंट तरह के वीडियो वगैरह यहाँ पे हम बना सकते हैं। क्योंकि अभी हम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कैमरा अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे पूरे ऐप्स को ये बंद करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से हम रिकॉर्डिंग कोई करना चाहें तो हम यहाँ पे कैमरे से कर सकते हैं। विंडो 10 में फैसिलिटी अवेलेबल है। हम ऑडियो कंट्रोल्स के साथ में डिफरेंट तरह के कॉन्फ़िगरेशन उनके कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये अवेलेबल है, प्लेबैक डिवाइसेस हैं या फिर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं, तो उसमें तीन तरह की माइक हैं या फिर माइक्रोफोन है या फिर स्टूडियो मिक्स है। तो ये सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पे अपनी सेटिंग्स को इसके अंदर से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसरीज में जो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, जो हमने सेटअप कर रखे हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा जैसे मेल है, मैप्स हैं, मैसेजिंग है और माइक्रोसॉफ्ट एज एक न्यू आया है, ये भी एक ब्राउज़र है और इसमें डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस को हम पीडीएफ वगैरह को भी खोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेन है जो कि हमें सेटअप करना पड़ेगा और आजकल साथ में भी आता है विंडो 10 के बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको हमें ऑन करना होगा। डिजिटल सर्टिफिकेशन ऑफ वीपीए प्रोजेक्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर इसके अंदर है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 लैंग्वेज सेटअप है और एक्सेस है इसमें, और इसमें एक्सेल है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ग्रू एक सॉफ्टवेयर है, इन्फोपाथ है जिसके अंदर हम HTML की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट है, ये एक न्यू फीचर है। इसके अलावा आउटलुक है और पिक्चर मैनेजर है। डिफरेंट तरह की पिक्चर्स उनको एडिट कर सकते हैं, उनको रिसाइज कर सकते हैं, उनके पिक्सल्स चेंज कर सकते हैं। ऑफिस पावर पॉइंट है जिसमें हम स्लाइड्स वगैरह बना सकते हैं। ऑफिस पब्लिशर है, पब्लिश कर सकते हैं चीज़ों को बना के, और ऑफिस वर्ल्ड 2007 है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे भी, हमारे कोर्स के अंदर है। तो यहाँ पे कुछ गेम्स भी अवेलेबल हैं, जैसे सॉलिटेयर कलेक्शन है जो ताश का गेम हम यहाँ पे खेल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी अवेलेबल है, यहाँ से हम डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड कर सकते हैं और मूवीज एंड टीवी के लिए एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इसके बाद सेटिंग्स में यहाँ से हम जा सकते हैं और
डिफरेंट तरह की सेटिंग्स हमने लास्ट अपने लेक्चर में देखी थी, तो वहां पे जाके हम उनको चेंज कर सकते हैं। मेजर फीचर विंडो एक्सेसरीज का बहुत बड़ा फीचर है जिसमें डिफरेंट तरह की विंडो एक्सेसरीज अवेलेबल है। इसमें करेक्टर मैप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो कि ब्राउजर डिफॉल्ट ब्राउजर है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ब्राउजर आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई वेबसाइट वगैरह हम ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो हम ब्राउजर से खोलेंगे। मैप मैथ के लिए नोटपैड एक यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है जिसको कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेनली ये बहुत मिनिमल एक तरीके से फैसिलिटीज के साथ में नोटपैड एडिटर अवेलेबल रहता है। इसमें फाइल एडिट फॉर्मेट इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। जैसे फाइल के मेनू के बारे में आपको पता ही है, सेव सेव एज वगैरह, ओपन न्यू वगैरह इसके ऑप्शंस हैं। एडिट के अंदर हम कट कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं और व्यू को जूम हम कर सकते हैं। कुछ हेल्प यहाँ पे अवेलेबल है। तो मिनिमम यहाँ पे फैसिलिटीज के साथ में इसका जो मेनू है वो भी अवेलेबल है। विंडो के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इसी तरह के रेक्टेंगुलर पोर्शन जिसको हम विंडो कहते हैं उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। सबसे टॉप मार्जिन जो इसका होता है इसको हम टाइटल बार कहते हैं और फिर यहाँ पे एक मेनू बार चालू हो जाती है। एक कंट्रोल बॉक्स हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा जिसके अंदर मैक्सिमाइज मिनिमाइज और क्लोज बटन, तीन बटन यहाँ पे हमेशा रहेंगे। और नीचे एक स्टेटस बार रहेगा या फिर स्क्रॉल बार रहेंगी साइड में, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार रहेंगे जिससे हम इसका इसको रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेनली जो नोटपैड है उसको हम डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे HTML अगर हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो HTML की प्रोग्रामिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टैग बना सकते हैं, HTML टैग बनाएंगे और उस HTML टैग को क्लोज करें HTML से, और इस तरह से हम उसके डिफरेंट पोर्शन जो है हेड या बॉडी उनको हम बना सकते हैं। हेड और बॉडी 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 इस तरह से हम इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये मेनली हमें प्रोग्रामिंग में काम आएगा, इसको बाद में हम देखेंगे भी। इसके अलावा जो हमारी एसेसरीज यहाँ पे अवेलेबल है, एसेसरीज सेक्शन के अंदर विंडो एसेसरीज तो फिर से जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे और क्या अवेलेबल है। पेंट अवेलेबल है। अगर हम कुछ पेंटिंग करना चाहते हैं, हम थोड़ा ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं, तो हम पेंट एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहता है इसके अंदर, इसके अंदर जाके हम बना सकते हैं। इसके अंदर सभी फाइल होम और व्यू मेनू यहाँ पे अवेलेबल है, कट कॉपी पेस्ट अवेलेबल है, इसके रिबन के ऊपर ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। साइज रिसाइज करने के टूल्स हैं या फिर ये इस तरह के टूल्स जो हैं, जैसे कि ये पेंसिल है और फिल कलर है और अल्फाबेट है। हम यहाँ पे टेक्स्ट अगर कोई लिखना चाहते हैं अपने ड्राइंग के अंदर, कुछ करके देखते हैं, ड्राइंग करके देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से कुछ टूल्स अवेलेबल हैं। ये शेप्स डिफरेंट तरह की हम यहाँ पे ले सकते हैं और फिर हम यहाँ पे डिफरेंट तरह की शेप से कोई पर्टिकुलर चीज़ बनाने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इन चीज़ों को यहाँ पे बना सकते हैं डिफरेंट शेप के माध्यम से। इस तरह से कुछ बनाते जाएंगे, इस तरह से, और फिर हम इनको कलर भी कर सकते हैं हम चाहें तो। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम, अगर हम फिल करना चाहें तो डिफरेंट कलर के माध्यम से हम फिल कर सकते हैं। इस तरह से कुछ फिल करते चले जाएंगे, इस तरह से कुछ करेंगे, इस तरह से कुछ
तरह से कुछ करेंगे, इस तरह से हम कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं और इसमें एडिट भी कर सकते हैं। डिफरेंट लाइनों के साइज भी अवेलेबल हैं, कलर्स अवेलेबल हैं, और हम अगर रब करना चाहें तो इसके लिए रेजर भी अवेलेबल है, और हम कलर पिकर भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की चीज़ें, कुछ लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इस तरह से कोई लिख देंगे, इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो एक इस तरह का टूल्स अवेलेबल है जिससे कि हम डिफरेंट तरह की फिगर्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सेसरीज है काफी लंबी है विंडो 10 की, और डिफरेंट तरह की चीजें यहाँ पे पेंट का 3D वर्जन भी आ गया है, पहले ये नहीं हुआ करता था। क्विक असिस्टेंट है, रिमोट डेस्कटॉप एक बहुत अच्छा फीचर आया जिससे हम रिमोटली किसी भी कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं और उसके नाम से एक्सेस हो जाएगा, या फिर वहाँ पे यूजर नेम वगैरह हम बना रहे हैं तो उससे हो जाएगा। फैक्स और स्कैन को यहाँ से हम सीधे एक्सेस कर सकते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर एक बहुत पहले से ही अवेलेबल है विंडोज के साथ में, और डिफरेंट तरह के साउंड और डिफरेंट तरह के सॉन्ग्स को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करके और डिफरेंट तरह के सॉन्ग्स हम इसके अंदर चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड पैड, नोट पैड से थोड़ा ज्यादा फैसिलिटीज इसके अंदर है। इसके अंदर भी फाइल, होम, व्यू वगैरह अवेलेबल हैं, और टूल्स में बहुत सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट के पूरे टूल्स हैं, या फिर डिफरेंट तरह के बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट्स से अवेलेबल टूल्स हैं। फॉन्ट पैराग्राफ से संबंधित हैं कि हम लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या सेंटर वगैरह कर सकते हैं, इंडेंटेशन कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर हम स्पेस, लाइन के स्पेस चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, और पेंट में हम यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करें देखो तो हमारा पेंट यहीं से खुल जाएगा, उसके अंदर हम कुछ भी बना के और यहीं पे उसको वर्ड पैड के अंदर ही यूज कर सकते हैं। डेट और टाइम वगैरह ले सकते हैं, और हम ऑब्जेक्ट वगैरह भी यहाँ से फाइंड रिप्लेस की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। तो वर्ड पैड काफ़ी एक तरीके से एक टेक्स्ट एडिटर है जो काफ़ी एडवांस है, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये इसके एक्सेसरीज के अंदर अवेलेबल है, उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें फैसिलिटीज मिलेंगी, डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं जिससे कि हम डिफरेंट तरह का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कंपोनेंट सर्विसेज है, सर्विसेज के साथ में हम यहाँ पे उनका कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज को रोक सकते हैं, कुछ सर्विसेज को चला सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें सर्विसेज के कॉन्फ़िगर करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। कंपोनेंट सर्विसेज है, इवेंट व्यूअर है, या फिर सर्विसेज जो है वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ पे हम देख सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर रन कर रही हैं, और उनके साथ में अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन उनका चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज विंडो 10 ने दी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर मैनेजमेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर का फुल मैनेजमेंट हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट के लिए एक फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है, इस तरह से कुछ हमें नजर आएगा। टास्क शेड्यूल कर सकते हैं हम, इवेंट व्यूअर है, शेयर्ड फोल्डर्स हैं, लोकल यूजर एंड ग्रुप्स हैं, परफॉर्मेंस है, डिवाइस मैनेजर है, डिस्क मैनेजर है, और सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर सकते हैं। सिस्टम टूल्स, स्टोरेज और सर्विसेज जो हमारे डिफरेंट तरह के कंप्यूटर मैनेजमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। के अलावा हमारे पास में
जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं उनमें डिस्क क्लीनअप वगैरह, डीफ्रेगमेंटेशन, ये सब हम कर सकते हैं। इवेंट व्यूअर भी है, SCSI इनिशिएटर है, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी हम चेंज कर सकते हैं अपनी, ODBC ओपन डेट ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी हम 32 बिट और 64 बिट दोनों में अवेलेबल है। तो हम डाटाबेस कोई भी बना के और उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से कर सकते हैं। ODBC के थ्रू कनेक्टिविटी होती है बैक एंड की फ्रंट एंड के साथ। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत होगी, तो हम इस प्लेटफॉर्म को हम डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटर है, हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। प्रिंट मैनेजर, रिकवरी ड्राइवर, रजिस्ट्री एडिटर, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर की रजिस्ट्री कहाँ पे हुई है उसको देख सकते हैं। डिफरेंट तरह की सर्विसेज यहाँ से भी हम देख सकते हैं। कौन सर्विसेज देखने के लिए यहाँ पे टूल अवेलेबल है। इससे आगे विंडोज ईज ऑफ एक्सेस चालू हो जाता है, इसमें मैग्नीफायर है, जैसे नरेटर है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वगैरह को यूज कर सकते हैं और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम को ऑन यहाँ से ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। पावर सेल भी है, विंडो पावर सेल अवेलेबल है, इसके अंदर हम विंडो पावर सेल की जो सर्विसेज है उसको ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग्स हम कर सकते हैं, विंडो सिक्योरिटी और विंडो सिक्योरिटी का पाथ यहाँ पे अवेलेबल है। हम इसकी इसको हार्डन कर सकते हैं, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन या फिर अकाउंट्स प्रोटेक्शन या फिर फायरवॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशंस और ब्राउजर्स का कंट्रोल कर सकते हैं, डिवाइस सिक्योरिटी को बढ़ा घटा सकते हैं और फैमिली ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह से हम सिक्योरिटी को हार्डन यहाँ पे करेंगे। तो हमें कर लेनी चाहिए, जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तब हमें अपनी सिक्योरिटी को पहले हार्डन कर लेनी चाहिए, क्योंकि विंडो की बिल्ट इन जो सिक्योरिटी है वो बहुत कम रहती है। तो हमें इससे पहले कि हम उसको यूज करें हमें उसको हार्डन कर लेना चाहिए। विंडो सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अवेलेबल है, जैसे अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करना चाहते हैं, डिफरेंट तरह की जो कमांड्स डॉस कमांड्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी के बारे में होगा कि कैसे हम कमांड्स का यूज, डॉस कमांड्स का यूज सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारा डॉस प्रॉम्प्ट है जहाँ पे आके कि हम डिफरेंट तरह की कमांड्स को यूज करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के बारे में हमने चर्चा पहले की ही थी कि फाइल एक्सप्लोरर ही एक तरीके से हमारे नेविगेशन के काम आता है। इसमें नेविगेशन पेन पूरा अवेलेबल रहता है और क्विक एक्सेस भी अवेलेबल रहता है, जिससे कि हम डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जा सकते हैं और वहां से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे कुछ पर्टिकुलर कमांड्स आज हम देखते हैं कि हमने जैसे उस दिन ये करके देखा था कि अगर हम कोई हम फाइल या फोल्डर बनाना चाहते हैं, हम अभी फिलहाल डेस्कटॉप के ऊपर हैं और डेस्कटॉप के ऊपर अगर हम कोई यहाँ पे फाइल बनाना फोल्डर बनाना चाहते हैं तो हम राइट क्लिक करके भी यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। इसको हम रीनेम कर सकते हैं और रीनेम करके इसको कुछ भी नेम हम इस तरह से कुछ दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस फोल्डर के अंदर जाना चाहें तो हम इस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, इसको हम ओपन करेंगे और हम इसके यहाँ पे जाके अगर हम कुछ भी कोई फाइल वगैरह बनाना चाहें तो यहाँ पे भी न्यू करके हम डिफरेंट तरह की फाइलें जो अभी हमने देखी हैं कि जैसे हम वर्ड की फाइल बनाना चाहें तो हम एक वर्ड की फाइल बना सकते हैं। अगर हम कोई एक्सेल की फाइल बनाना चाहें, कोई पब्लिशर बनाना चाहें और डिफरेंट तरह की फाइलें जो हैं वो अगर बनाना चाहें तो हम कुछ भी यहाँ से बना सकते हैं। इस तरह से कुछ एक्सेस की फाइल हम बनाना चाहते हैं तो पावर पॉइंट की फाइल हम बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट तरह की फाइल्स यहाँ पे हम बना सकते हैं। इन फाइल्स को देखो जब हम बनाते हैं बाई डिफ़ॉल्ट ये न्यू के नाम से आएंगी और अगर हम चाहें बाद में तो हम इनको रीनेमिंग भी इनकी कर सकते हैं। तो रीनेमिंग से फ़ायदा ये होगा कि हम इनको इनका नाम चेंज करने का एक तरीका है कि हम राइट क्लिक करेंगे, हम
और यहाँ पे नेम चेंज करने की फैसिलिटी मिल जाएगी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माई स्प्रेडशीट या कुछ भी हम जो इसको नाम देना चाहें, स्प्रेडशीट, इस तरह से कुछ नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको मूव करना चाहें, डिफरेंट लोकेशंस में हम इसको मूव कर सकते हैं। जैसे अभी ये फाइल हमारे डेस्कटॉप के ऊपर थी, और अब हम मान लिया इसको कहीं पे किसी लोकेशन में, जैसे हम लोकल ई में ले जाना चाहते हैं, तो हम डेस्कटॉप पे जाके और उस पर्टिकुलर फाइल को, उस पर्टिकुलर फाइल को जो अभी हमने बनाई थी, विक्रांत फोल्डर के अंदर हमने बनाई थी, और यहाँ से अगर हम मालियन को मूव करना चाहें तो हम किसी एक फाइल को भी मूव कर सकते हैं। यहाँ से हम उसको कट करेंगे, यहाँ से हम उसको कट कर लेंगे, और कट करके हम डिफरेंट लोकेशन पे जहाँ पे भी हम उसको ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ से हम क्विक एक्सेस के थ्रू, जैसे हम ई में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ले जाके और हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको मूव कर सकते हैं, या फिर हम उसकी दो कॉपी भी रख सकते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस फाइल का शॉर्टकट अपने विंडोज पे रखें, तो हम उसका शॉर्टकट सेंड टू के थ्रू राइट क्लिक करके बना सकते हैं, सेंड टू डेस्कटॉप कर देंगे, डेस्कटॉप। तो अब देखो ये माई स्प्रेडशीट के नाम से फाइल थी, और यहाँ पे हमें एक इसका शॉर्टकट मिल जाता है, माई स्प्रेडशीट के नाम से यहाँ पे हमें शॉर्टकट मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर हम डायरेक्टली इस फाइल को खोल पाएंगे, डायरेक्टली यहाँ से हम इसको खोल सकते हैं। तो इस तरह से देखो, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट अवेलेबल है, इसको अगर हम, तो इस तरह से हम कुछ शॉर्टकट भी बना सकते हैं। तो फाइल्स को हम न्यू फाइल को बना सकते हैं, हम उनको मूव कर सकते हैं, हम उनको रीनेम कर सकते हैं, हम फोल्डर बना सकते हैं, उसमें कलेक्शन कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स का, हम उनका शॉर्टकट बना सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये डिफरेंट वर्क हैं जो कि हम विंडो 10 के अंदर बहुत इजीली कर पाएंगे।